Hey guys, welcome to the new video. मेरा नाम है अंकित और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अपने टायर लेटर्स को कुछ इस तरीके से हाईलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Here we go. गाइज यहाँ पर जो आप मेरे स्पेयर टायर पर मैस देख रहे हैं वो एक्चुअली में कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रखी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आज मैं प्रोसेस आपको टायर लेटर्स को हाईलाइट करने के लिए बताने वाला हूँ उसका यूज़ करके आप टायर के एक दो लेटर्स को पहले हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आप इस प्रोसेस से पूरे टायर लेटर्स को हाईलाइट कर सकते हैं बड़े ईजिली। तो चलिए हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने टायर को अनइंस्टॉल करना है, तो दो टायर्स पर हम पहले इसको ट्राई करने वाले हैं। एक हो जाएगा हमारा स्पेयर टायर और एक टायर को हम अपना जो जैक है उसको लगाकर निकाल लेते हैं। तो जब तक मैं कार के टायर को अनइंस्टॉल करता हूं, मैं आपको यहां पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं। मैं अपने कार के केवल दो टायर्स के टायर लेटर को हाईलाइट करने वाला हूं, बाकी के दो टायर लेटर्स के लिए मेरे पास कुछ अलग प्लान्स हैं और मैं शायद उनको फ्यूचर में रेज्ड टाइप के टायर लेटर्स को अप्लाई करूँगा। तो इसलिए केवल अभी दो टायर पर मैं ये प्रोसेस को यूज़ करने वाला हूँ। तो हमने अपनी कार का एक टायर अनइंस्टॉल कर लिया है और एक स्पेयर टायर हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अब हम इन टायर्स को पहले साफ़ करने वाले हैं और साफ़ करने के लिए पहले हम इनकी डर्ट वगैरह जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो हटाएंगे, उसके बाद इसको थोरली हम क्लीन करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको इसको क्लीन करना है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे टायर को वॉश करने वाला हूँ और उसके बाद जो एक्चुअल लेटर्स जहाँ पर मैं इनको हाईलाइट करने वाला हूँ उनको भी इस टूथब्रश से अच्छे से क्लीन करूँगा। और मैं इसको दो तीन बार क्लीन करने वाला हूँ क्योंकि इस टायर को डीप क्लीन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पूरे प्रोसेस का, क्योंकि जितने अच्छे से हम इसको क्लीन करेंगे उतने ही अच्छे से पेंट स्टिक हो पाएगा, क्योंकि कार के टायर में होते हैं कई तरीके के ऑयल्स जो कि पेंट को स्टिक होने से काफ़ी प्रिवेंट करते हैं। इसलिए इसको डीप क्लीन करना और बहुत अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से हम इन अभी मैं इस टायर को दो बार क्लीन कर चुका हूं और आपको लग रहा होगा कि ये ठीक से क्लीन हो गया है, पर मैं आपको एक और बार इसको क्लीन करके दिखाता हूं और दिखाता हूं इसको कि अभी भी इसको ज़रूरत है एक और बार क्लीन होने की। तो मैं आपको एक लेटर क्लीन करके दिखा देता हूं यहां पर कि इसको क्लीन होने की अभी भी ज़रूरत है। अभी देख रहे हैं आप एकदम वाइट, इसमें से जो झाग है वाइट आ रहा है बिल्कुल। मैं इसको थोड़ी देर तक क्लीन करते रहेंगे अगर हम, तो देखना आप क्या होता है। ये वाला जो वाइट झाग निकल रहा था इसमें से अब वो काफ़ी गंदा हो गया है और देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब यही है कि अभी ये ठीक से क्लीन नहीं हुआ था, तो इसको हम थर्ड टाइम भी क्लीन करने वाले हैं। अभी मैं वॉश करने वाला हूँ अपना वो वाला स्पेयर टायर जिस पे मैंने सबसे पहले टायर लेटरिंग ट्राई करी थी, तो उसके लेटर्स आप देख सकते हैं वहाँ पर और यहाँ पर। तो इसको वॉश करने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये पेंट। Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way.
डिग्रीस कर लिया है और यहाँ पर जो मैस है इसको भी मैं ठीक करने वाला हूँ। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो मेरे टेस्ट लेटर्स थे इसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आई है जो मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो गाइज़ ये रहा वो पेंट जो आज मैं अपने कार के टायर लेटर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। ये एक इनेमल पेंट है जो हम यूजुअली अपने घर में मेटल गेट्स वगैरह को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक 50 ml की बोतल है जो आपको 20 से 25 रुपए में किसी भी नॉर्मल पेंट शॉप पर मिल जाएगी। तो टायर लेटर्स को हाईलाइट करने के लिए इस इनेमल पेंट के अलावा जिन जिन सप्लाइज की ज़रूरत हमें पड़ेगी उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टर्पेंटर ऑयल या थिनर की, जो कि अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसको इरेज करने में काम में आएगा। और हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के एक शार्प एज वाले पेपर कटर की। अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी ख़रीदने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के दो छोटे ब्रशेज़ की। इन सभी को किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो अभी के लिए रखते हैं इनको साइड में। और साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के ट्रांसपेरेंट पैकिंग टेप की, इसका यूज़ करेंगे हम मास्किंग के लिए। और जो लास्ट चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है एक हेयर ड्रायर। अगर आपके पास एक हेयर ड्रायर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी हमारा काम इसके बिना भी चल जाएगा। तो ये थी वो सप्लाई जो हमें यूज़ करनी है। तो हमारी प्रोसेस का जो अगला स्टेप है वो है हमारे जो एक्चुअल लेटर्स हैं जिनको हमें हाईलाइट करना है उनको पैकिंग टेप से मास्क करना। आपको सिंपली पैकिंग टेप के टुकड़े काट काट कर पूरे लेटर्स को मास्क कर देना है इस पैकिंग टेप से। मास्किंग का सही तरीका मैं आपको यहाँ पर डेमोंस्ट्रेट करके बता देता हूँ। आपको जो लेटर्स हैं जिन पर हमको मास्क करना है उस पर इस तरीके से टेप को अप्लाई करना है और जो लेटर्स के एजेस हैं वहाँ पर इस टेप को पुश करना है। इससे क्या होगा कि जो लेटर्स की बाउंड्री हैं वो अच्छे से इस टेप से मास्क हो जाएंगी और जब हम इस पर पेंट का यूज़ करेंगे तो पेंट लीक होकर इसके जो लेटर्स हैं उसके बाहर नहीं जाएगा और जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो भी एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन रिज़ल्ट मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको केवल एजेस पर केवल इसको इस तरीके से पुश करना है। और इसी तरीके से हमें जो भी टायर लेटर्स को हाईलाइट करना है उन सभी को इस पैकिंग टेप से मास्क कर लेना है। तो चलिए हम इस स्टेप को भी मास्किंग वाला पूरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है और मैंने सारे लेटर्स को ट्रांसपेरेंट टेप से मास्क कर दिया है। और अब बारी है हमें हेयर ड्रायर को यूज़ करने की। यहाँ पर मैं हेयर ड्रायर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि जो हेयर ड्रायर से निकलने वाली हीट है उससे जो टेप की ग्लू है वो हल्की सी लूज़ हो जाएगी और टेप और अच्छे तरीके से टायर लेटर्स पर स्टिक हो जाएगा और पेंट के एक्चुअल लेटर्स से बाहर लीक होने की पॉसिबिलिटीज़ भी एलिमिनेट हो जाएंगी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं भी है तो भी आप बिना इसके भी काम अपना चला सकते हैं और आपको थोड़े अच्छे तरीके से मास्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अपना मास्किंग वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप है एक्चुअल लेटर्स को एक शार्प एज वाले एक पेपर कटर से कट करना। इस टेप को लेटर्स पर से कट करने से एक स्टेंसिल टाइप की क्रिएट हो जाएगी जिसके बाद जब हम पेंट का यूज़ करेंगे तो लेटर्स से वो यहाँ वहाँ बाहर नहीं निकलेगा और हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एकदम नीट एंड क्लीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको टायर लेटर्स को हाईलाइट करने का ये तरीका थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं आपको आगे वीडियो में इसका एक इजी सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं जिसका यूज़ करके आप इजीली अपने कार के टायर लेटर्स को हाईलाइट कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने अपना पहला लेटर कट कर लिया और इसी तरीके से हमें बाकी आप देख सकते हैं हमने अपने सभी टायर लेटर्स को कट आउट कर लिया है।
जितना सही से आप इन लेटर्स को कट करेंगे उतना ही अच्छा आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो मेरे टेस्ट लेटर्स थे उनको भी मैंने वापस से मास्क करके उनको भी कट किया हुआ है। और अब बारी है हमारे सेकंड लास्ट स्टेप की, जो कि है इस पूरे कटआउट को पेंट करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ईजी तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगर आप इस कटआउट के प्रोसेस से बचना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये मास्किंग और कटआउट का प्रोसेस थोड़ा लेंदी और टिपिकल है, तो आप मास्किंग और लेटर्स को कटआउट करने के दोनों स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डिग्रीसिंग के बाद डायरेक्टली पेंटिंग के इस स्टेप पर आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप पेंटिंग ब्रश की हेल्प से डायरेक्टली लेटर्स को पेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस एक ट्रेड ऑफ ये रहेगा कि आपको जो फिनिश रहेगी वो उतनी नीट एंड क्लीन नहीं रहेगी जो आपको मास्क और कटआउट करने के बाद मिल सकती है। लेकिन तब भी आप अगर केयरफुली पेंट करते हैं तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके टायर लेटर्स भी मेरी कार की तरह ग्रूव्स वाले टायर लेटर्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप पेंट करें तो उनके ग्रूव्स में पेंट को अच्छी तरीके से फिल कीजिए ताकि उसमें बबलिंग का कोई इशू ना रहे। हमें अपने टायर लेटर्स पर इस एनामेल पेंट के दो कोट करने हैं, जिसमें से पहला कोट करते समय हमें थोड़ा सा केयरफुली इसको पेंट करना है, बाकी फिर सेकेंड कोट में हम इसको कैजुअली भी पेंट कर सकते हैं। तो अभी मैंने टायर लेटर्स पर पेंट का पहला कोट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने दोनों टायर लेटर्स का पहला कोट कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं दोनों को थोड़ा सा रेस्ट दूंगा, और रेस्ट करने के बाद जब इनका थोड़ा सा ड्राइनेस इन पर हो जाएगी, जो पेंट थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इन पर दूसरा कोट भी करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम दूसरा कोट भी कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं इस प्रोसेस। Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Finishing touch देने के लिए यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ talcum powder का। मैं टेलकम पाउडर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो पेंट की थोड़ी बहुत स्टिकीनेस होती है वो इस टेलकम पाउडर के यूज़ से दूर हो जाएगी, और हमारे जो टायर लेटर्स हैं वो धूल मिट्टी को कम अट्रैक्ट करेंगे और जल्दी गंदे नहीं लगेंगे। आपको सिंपली एक छोटे कॉटन बॉल में लेकर टेलकम पाउडर को इस तरीके से डैब डैब करके टायर लेटर्स पर अप्लाई करना है और एक माइक्रोफाइबर टॉवल से इसको वाइप कर देना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारा एंड रिजल्ट है वो एकदम ऑसम लग रहा है और सभी टायर लेटर्स अच्छे से हाईलाइट हो गए हैं और मैं इसके एंड रिजल्ट से बहुत ही सेटिस्फाइड हूं। और आगे मैं आपको वीडियो में इन लेटर्स का एक छोटा सा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी दिखाने वाला हूं, पर उसके पहले इन टायर्स को उनकी जगह पर प्लेस कर देते हैं। आप लोगों का वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको याद होगा कि ये वही व्हील कैप्स हैं जो हमने पेंट किए थे। और अगर आपने मेरा व्हील कैप्स को पेंट करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो जरूर जाकर देखिए। तो गाइस, ये टायर लेटर्स को हाईलाइट करने के बाद हमारी गाड़ी को थोड़ा सा एक स्पोर्टी सा लुक मिल गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव पर। तो गाइस, अभी मैं अपनी कार में अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस ट्रिप के बाद इन टायर लेटर्स की क्या हालत रहती है।
ये बारिश का मौसम है तो बाहर बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो रखी थी, तो उसके बाद जो पूरी गाड़ी थी वो कीचड़ से सन गई थी और इसके जो लेटर्स हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मैंने इनको पानी डालकर ब्रश से साफ किया है और उसके बाद इतनी इनकी कंडीशन साफ दिख रही है। इसका मतलब है कि ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और सही तरीके से टिके रहे हैं, इनको कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे में मिट्टी लग गई है क्योंकि मैं अभी गाड़ी को अंदर लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट टायर भी है, जो उसके टायर लेटर्स भी बिल्कुल इंटैक्ट लग रहे हैं और इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आगे भी इस इंटरेस्टिंग कार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ड्राइव सेफ़।